आज सुबह सुबह बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं। पेड़, मधुमक्खी, फूल, ये क्या है? मिस बनर्जी, मेरा हो गया। बड़े, तुम पिकासो की तरह ड्राइंग कर रहे हो। शुक्रिया मिस बनर्जी। मेरा भी पूरा होने वाला है। राजकुमार लल्लू, क्या आपका हो गया है? ये क्या है? क्या ये रंगीन बादल है? ये सही है, रंगीन बादल। हाँ? क्या ये सबसे सुंदर नहीं है? लल्लू, तुम्हारी ड्राइंग तो बड़ी अनोखी है। सॉरी मिस बनर्जी, हमने कभी इसे कोई शब्द नहीं सुना। इसका मतलब है कुछ खास, दूसरों से अलग। राजकुमार लल्लू, मुझे भी ये सिखाइए। मैं सिखा नहीं सकता, ये टैलेंट तुम लोगों में होता है। छोटे, इसका मतलब कि मैं विशेष नहीं हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। यूनिक। सब आ गए। लल्लू, तुम्हें क्या हुआ? थके हुए लगते हो। ठीक है, कतार में सीधे खड़े हो जाओ। तो ठीक है, अब सुनो, आज हम सब गाड़ियां बनाएंगे। ये सामान हमें वहां ले जाना है। दो लोग एक टीम, चलो अब टीम बनाओ।
राजकुमार लल्लू, हम ये ब्लॉक को लेकर किनारे पे रख देते हैं ताकि रेत का बैग गाड़ी से बाहर ना गिरे। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सिंपल लग रहा है। ओ, तो अब हम क्या करें? मुन्ना, तुम बस मुझ पर भरोसा करो, हमारी गाड़ी सबसे तेज और सबसे खास होगी। ठीक है। हो गया, बड़े चलो चले। तो फिर चला कर देखें। ठीक है। मुन्ना ये देखो, ये होती है अनोखी चीज। मुझे इसके बारे में पता नहीं। दो चौकोन पहिए, क्या ये चलेंगे? हाँ चलेगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें मेरा दिमाग लगा है। ये चौकोन पहिए। मुन्ना, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ठीक है, चलो वो बोरे लेकर आते हैं। क्या बात है बच्चों, तुमने कर दिखाया। तो चलो अब देखते हैं लल्लू और मुन्ना क्या कर रहे हैं। ठीक है। लल्लू, मुन्ना, क्या अनोखी गाड़ी है। नहीं शुक्रिया, मेरी गाड़ी का डिजाइन सबसे अनोखा है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे हिसाब से अच्छी गाड़ी नहीं है? लल्लू, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बोरे नीचे नहीं गिरेंगे? नहीं, वो नहीं गिरेंगे। लल्लू, तुम्हारे पास नीले चौकोर पहिए क्यों है? क्योंकि मैं बहुत अनोखा। क्या तुम सच में इसे हिला सकते हो? हाँ बिल्कुल। बस देखो, लल्लू चलो उनको ठीक से लगाए। अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो तुम अनोखा बनने की कोशिश कर रहे थे? मैं लल्लू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था। जब आप बहुत छोटे थे? हाँ, ये कहानी तब की जब मैं किंडरगार्टन में था। एक दिन बचपन में जब मैं चिड़ियों को देखता था तो वो मुझे बहुत खास दिखती थी। मैं बस उन्हें देखता रहता और सोचता कि काश मैं भी उनकी तरह हो पाऊँ, जिससे कि मैं और बच्चों से अलग दिखूँ। फिर मुझे एक आइडिया आया, मुझे लगा कि मैं अपने आप को अनोखा बना लूंगा। फिर मुझे कुछ रंग मिले और मैंने अपने आप को पेंट कर दिया। देखो लल्लू, अनोखा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें बाकी बच्चों की तरह होना चाहिए। अब इसे देखो लल्लू, इस पहियों को गोल करना होता है। मेरा मतलब, गोल पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, मैं समझ गया। चलो मुन्ना, मिलकर ये गाड़ी फिर से बनाते हैं। लल्लू, मैं मदद करता हूँ। मैं भी। ठीक है बच्चों। ये रही हमारी नई गाड़ी, देखो। इसके पहिए बिल्कुल गोल है, है ना? बहुत अच्छा। तो क्या अब बोरों को ले जाओगे? बेशक मुन्ना। ठीक है। ये, ये, राजकुमार लल्लू, देखो हमारा झंडा ऊपर है। चलो दोस्तों। चलो चलो चले। कमाल कर दिया। डब्ल्यू डब्ल्यू पार्क की एक सुहानी रात, सभी बच्चे खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये पकड़ लिया। छोटे, तुम्हें क्या लगता है चांद किस चीज से बना है? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, तुम्हें क्या लगता है?
मुझे लगता है अचानक बड़ा सा केक है। हो सकता है वो सच में केक हो। तुम्हें क्या लगता है कौन इतना भूखा होगा जो चांद को खा लेगा? अगर चांद को कोई खा जाए तो हमें चांद की रोशनी नहीं मिलेगी, बहुत बुरा होगा। चलो ढूंढना होगा ये किसने किया। हाँ वो यही कहीं होना चाहिए। छोटे हमने इस जगह देख लिया और हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें क्या करना होगा? मुझे पता है, मुझे सोचने दो। किसी ने थोड़ा सा और खा लिया, हम क्या करें, हम क्या करें? छोटे देखो लगता है हमें चोर मिल गया है। वो कहाँ है? बड़े इधर आओ। छोटे और बड़े उसे हैं। पता है बेहतर होगा तुम चांद वापस दे दो, नहीं तो हमें मत खाओ। गुल्लू छोटे और बड़े गुड इवनिंग दोस्तों। गुल्लू बताओ तुमने चांद को क्यों खाया? मैंने चांद को खाया? हमें पता है वो तुम ही हो गुल्लू। बड़े एक मिनट रुको, जरा उसे बोलने दो। क्या तुमने उसकी टकार सुनी? मुझे पता है ये वही है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं बस कीड़े खाती हूँ चांद को नहीं। ये क्या सच में किसी ने चांद को थोड़ा सा खा लिया? हाँ अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता गुल्लू ने चांद को खाया है। क्योंकि उसकी चोंच है। अगर गुल्लू ने चांद को खाया होता तो चांद का आकार ऐसा नहीं होता। अगर वो गुल्लू नहीं है कौन हो सकता है? हो सकता है कोई जो ऊपर चढ़ सकता हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ खेलो जुगनू? लल्लू मुन्ना छोटे बड़े गुल्लू कैसे हो? ए दोस्तों कैसा चल रहा है साहब, इतनी देर तक तुम जागे क्यों हो? अपना मुंह खोलो, हमें तुम्हारे दांत देखने हैं। हाँ मैं अपने दांतों को रोज ब्रश करता हूँ, देखो दांतों को देखो। अब हमारे दांतों से तुम्हें क्या लेना देना है? लल्लू तुम्हें नहीं देखा किसी ने चांद को खा लिया? क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम सही कह रहे हो। लल्लू लल्लू पूरा मुंह खोलो, मुझे देखने दो। बिल्कुल नहीं, मैंने चांद को नहीं खाया है। फिर अपना मुंह खोलो और साबित करो। बड़े नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें क्यों मानूं? मुझे बस दिखाओ कि दोस्त हो ना, लड़ना बंद करो। मैंने नहीं खाया है, मुझे पता है वो तुम ही हो। बेकार में मेरे पीछे पड़े हो। फिर तुम अपना दांत क्यों नहीं दिखा रहे हो? मुझे चांद नहीं दिख रहा, लगता है ये वो नहीं है। मैंने कहा था ना मैंने नहीं खाया, वैसे भी मेरा पसंदीदा फल केला है। मैं माफी चाहता हूँ लल्लू, अगर वो तुम लोग नहीं थे तो फिर कौन था? राजकुमार लल्लू तुम तो होशियार हो, क्या तुम कुछ बता सकते हो? राजकुमार लल्लू तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। वहाँ देखो हमारे बात करते करते भी तो चांद छोटा होता जा रहा है ना, जिसका मतलब है वहाँ पर कोई जरूर है जो उसे खा रहा है। हमें जल्दी से पार्क में जाना चाहिए और दूरबीन से देखना चाहिए। राजकुमार लल्लू क्या बात है? मुझे पता है। हाँ, ये वक्त है पार्क में जाने का। हाँ। गुड इवनिंग कोच डेमरू। अरे बच्चों तुम सब कहाँ जा रहे हो? गुड इवनिंग
सोच डमरू, आप अभी तक यहाँ हो? हाँ, मैं रात की ड्यूटी पर हूँ, पर तुम सब क्या कर रहे हो? दोस्तों, मेरे लिए रुको। बड़े, बड़े। ओतिस, मुझे लगता है अभी भी वक्त है। आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं? ठीक है, मुझे जाकर देखना होगा। तुम्हें क्या दिख रहा है लल्लू? कोई उसे और खाते जा रहा है। मुझे देखने दो। छोटे, पहले मुझे देखने दो। मैंने अच्छे से नहीं देखा। अरे नहीं, तुम सही हो। मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया, मुझे देखने दो। चांद तो खत्म ही होता जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं जानता। चांद पूरा चला गया, अब मुंह से कब देख पाएंगे? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि चांद चला गया। चांद चला गया। अरे बच्चों, तुम सब क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? मास्टर, हम तो बस चांद। बड़े, तुम रो क्यों रहे हो? मास्टर, चांद चला गया, किसी ने उसे खा लिया, वो हमेशा के लिए चला गया। चांद को खा लिया है? और अब कोई भी चांद का केक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चे। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। चलो बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि चांद को किसने खाया है? हमें नहीं पता। मैंने खाया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी बच्चों, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। आप सच बताऊँ, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। काश कि और चांद होते खाने के लिए। आपने चांद को खाया? हमें चांद को खाया? सुनो, क्या है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर आप चांद वापस नहीं करोगे तो मुझे आपके साथ ये करना पड़ेगा। ये देखो। आराम से, आराम से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने चांद को खा लिया। क्या आप हमें उसे वापस करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बच्चों, मैं चांद को वापस कर दूंगा, ठीक है? सच में? मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। मैं अभी चांद को आसमान में लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। चांद, प्लीज वापस आ जाओ। ओ आसमान के चांद, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें खाया। तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चांद वापस आ गया। चांद वापस आ गया। ओ, ये सच में वापस आ गया। हमारे पास चांद की रोशनी फिर से है। ये तो बढ़िया है। शुक्रिया कोच डमरू। पर बाकी के चांद का क्या? क्या वो इधर है? बड़े, मत करो, गुदगुदी होती है। इसलिए आपका पेट इतना गोल है? क्या आप बाकी का भी वापस दोगे? प्लीज कोच डमरू। सच तो ये है बच्चों की चांद को मैंने नहीं खाया था, वो पृथ्वी की परछाई में छिप गया था। परछाई से आपका क्या मतलब है? हम तो हर रात चांद को देखते हैं, वो धरती की परछाई में कैसे हो सकता है? चलो हम ये करके सीखते हैं। छोटे, तुम पृथ्वी हो। बड़े, तुम चांद बनोगे। और बड़े, तुम छोटे के चारों तरफ चक्कर लगाओगे जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ध्यान से देखना कि बड़े तुम पर रोशनी कैसे बदलती रहती है, जब रोशनी छोटे पर आती है और बड़े की वजह से रुक जाती है। इसी तरह से चांद धरती की परछाई से छिप जाता है और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और बड़े जब छोटे की परछाई से बाहर निकलता है तो चांद फिर से दिखने लगता है। तो तुम सब समझ गए, चांद हमेशा वहाँ था लेकिन वो परछाई के पीछे छिपा हुआ था। समझ गए। सही कहा। चलो मैं तुम सबको घर छोड़ दूँ। तो ये सब ग्रहण की वजह से था। छोटे, मुझे खुशी है कि चांद को खाया नहीं गया। बबलू डब्लू पार्क में आज बच्चे क्या करने वाले हैं? चलिए हम मिलकर देखते हैं। कहाँ चली गई? किटी, किटी, ये गई कहाँ? हेलो बच्चों, ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक शाही की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। ध्यान से देखना मुझे।
सबसे पहले एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाओ, फिर कुछ कांटे बनाओ उसके शरीर पर, यहाँ यहाँ, और उसके बाद उसकी आँखें, और हाँ बच्चों उसके पैर। क्या आप एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे? ठीक है बच्चों, तुम सब कोशिश करते रहो। तो बच्चों मैं भी आता हूँ। मिस बनर्जी क्या बात है, तुम्हें ड्रॉ करना आता है? मुन्ना कल जो तुम केले लाए थे वो बहुत स्वादिष्ट थे, मेरा उन्हें खाने का मन कर रहा है। मोली की ड्रॉइंग अच्छे से आती है। ए विक्की बड़े को देखो। बड़े इसे जगाओ मत, वो लगभग इतनी बड़ी है, वो एक टाइगर है। क्या आपने उसे देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उसे ढूंढने में मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ एक बार और चलो चलकर ड्राइंग करते हैं, अगर मिस बैनर्जी ने देख लिया तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है चलो ड्राइंग करते हैं। अरे मेरा पेन कहाँ गया? मेरा भी पेन गायब है। मुन्ना देखो रखवा लल्लू, तुम मेरा पेन यूज कर लो। ये क्या, मेरा भी गायब हो गया? आखिर ये क्या हो रहा है, पेन किसने चुराया? वो सब के सब उड़ गए। राजकुमार लल्लू क्या हुआ? हमारे पेन चोरी हो गए हैं। सच में? क्या करना चाहिए, पेन कहाँ ढूंढे? वो क्या था? मेरा पेन, मेरा पेन कहाँ चला गया? क्या हुआ बड़े? लल्लू क्या तुमने मेरा पेन लिया? नहीं मैंने नहीं लिया। शायद कोई भूत लेकर गया है। हाँ बिल्कुल विक्की, हमें डराओ मत, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ तुम बुद्धू हो है ना मुन्ना? हाँ तुमने सही कहा। बड़े क्या हुआ उसके पीछे? छोटे मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर देखो कुछ हिल रहा है, चलो जाकर देखते हैं। मैं देखता हूँ। हे राक्षस हमने तुम्हें पकड़ लिया। अरे दोस्तों इधर आओ, ये कोई राक्षस नहीं बस एक टाइगर का बच्चा है। ये कितनी प्यारी है ना, इसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ नहीं आई है। प्यारी है ये, सबसे प्यारी है। मुझे देखने दो। ये कितनी छोटी सी है। हे दोस्तों इसके छोटे पैरों को देखो। तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। ये कौन है? इसका नाम किटी है। इसके मम्मी पापा आज काम से गए हैं और हमें इसकी देखभाल करनी है। बच्चों बताओ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मिस बैनर्जी, मैं करूँगा, मैं करूँगा। बहुत बढ़िया, इसका ख्याल रखना। किटी ये मेरा पसंदीदा शहद है, इसे खाओ बहुत स्वादिष्ट है। इसे अपने मुंह में डालो। सावधान जंगल के रक्षकों मेरी बात सुनो। किटी तुम हमारे नेता हो, अगर हम बंदर को हराएंगे हम इस जंगल के हीरो बन जाएंगे। चलो चलो बच्चों, क्लास साफ करने का समय हो गया है। ठीक है। एक जगह छोड़ गई। मैंने सब कर दिया, अब मैं जाकर कुछ सेब खाता हूँ।
बताओ क्या तुमने मेरा बैग कहीं देखा है? बड़े क्या बात है? किटी ने मेरे बच्चों का दिल खराब कर दिया, मैं उदास हूँ। किटी मेरे बैग से दूर हट जाओ अभी। किटी ये मेरा सबसे फेवरेट बैग था, तुमने इसे खराब कर दिया, ये गलत बात है। अरे इसे क्या हो गया? ये रो क्यों रही है? राजकुमार लल्लू क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हमें इसे चुप कराना ही होगा कैसे भी करके। चलिए देखते हैं बबलू डब्लू पार्क में बच्चे क्या कर रहे हैं। ये तो किटी की आवाज है। अब क्या हो गया इसे? ये वापस क्यों रो रही है? उसे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मैं भी अपनी मम्मी को याद कर रहा हूँ। अब हम क्या करें? हम इसके लिए एक लोरी गा सकते हैं ताकि ये आराम से सो जाए। लोरी? मुझे तो कोई नहीं आती। मुझे आती है। दीदी मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, किटी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, किटी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, किटी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। किटी अपने दोस्तों को गुड बाय बोलो। किटी क्या तुम कल नहीं आ रही हो? प्लीज आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाऊंगा। ये अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। किटी हाँ, अगर तुम वापस आओगी तो ये रख सकती हो, ठीक है? मुझे खुशी है तुम सबको मजा आया। जब किटी बड़ी हो जाएगी तो वो तुम सबके साथ बबलू डब्लू पार्क में पढ़ने के लिए आएगी। सच में?